हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी आज मैं एक नया चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो आपने सुना ही होगा, यूथ सेंटर का नाम सुना होगा, यूथ हॉस्टल, जो कि वेस्ट बंगाल का लगभग 30 से 40 जगह उन लोग का हॉस्टल है, वहाँ पर आप बुकिंग कर पाएंगे। तो उसका बुकिंग कहाँ से होता है वो मैं दिखाऊंगा। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग भी होता है, बट ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत आता है। तो ये मोलाली यूथ सेंटर है, वहीं से जाके मैं बुक करने वाला हूँ आज, बोलपुर शांति निकेतन का। जी हाँ, शांति निकेतन, वो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, रविंद्रनाथ का विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी वहीं है। तो वहीं हम आपको दिखाएंगे कैसे बुक होता है। हालांकि सिर्फ शांति निकेतन का नहीं, वहाँ मुर्शिदाबाद का, दीघा का, और भी बढ़िया बढ़िया जगह जो है वेस्ट बंगाल का, सब जगह वहाँ हॉस्टल बना है। एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, डबल बेडेड, फोर बेडेड, डॉर्मेट्री। तो चलिए दिखाते हैं वहाँ पर कैसे बुकिंग होते हैं, बने रहिए। ये हमारा प्यारा मोलाली का मोड़, जैसे कि आपको मालूम है कोलकाता में शाम बाज़ार, पाँच माथा मोड़ बहुत फेमस है, हाजरा मोड़ बहुत फेमस है, सेवन पॉइंट फेमस है, वैसे ही ये भी मोलाली का जो मोड़ है बहुत ज़्यादा फेमस है। और लेफ्ट साइड में आपको मोलाली दरगाह मिल जाएगा, सीधा से अगर जाएंगे तो आप धर्मतल्ला होते हुए हावड़ा पहुँच सकते हैं। ये राइट साइड का जो पोजीशन है, यहाँ पर आपको थोड़ा आगे जाइएगा तो सियालदह स्टेशन मिल जाएगा, यानी कि सियालदह से सिर्फ 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको ये यूथ सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है पश्चिम बंगो युवो केंद्रों, यहाँ पर बहुत सारा कोर्सेज कराया जाता है। इनफैक्ट मैंने भी अपना कंप्यूटर कोर्स यहीं से किया था, सीटा और डीटा। और ये जो है यूथ हॉस्टल बुकिंग काउंटर, यहीं पर सब यहाँ पर आके आप लोग वेस्ट बंगाल का अलग अलग जगह का 30-40 लगभग है बढ़िया बढ़िया जगह, जो कि आपको यहाँ पर भी दिखता होगा। नॉर्थ बंगाल का अलग लिस्ट है, साउथ बंगाल का अलग लिस्ट है, बढ़िया बढ़िया आप दीघा में, मुर्शिदाबाद में, दार्जिलिंग में, सुंदरबन में, कहीं पर भी ये वाला आप अपने यहाँ से आके बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही कॉर्डियल है, बहुत ही फ्रेंडली है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और मैंने तो इनसे पेन भी मांगा था, एक सिंपल सा फॉर्म है जिसको फिलअप करना रहेगा, ज़्यादा डिटेल है नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म में देखिए क्या क्या है, सिर्फ नाम, आपका एड्रेस देना है, कितना लोग जाएंगे, कितना तारीख के लिए जाएंगे, बस सिंपल है। बट हाँ, आपको आधार कार्ड का जेरोक्स लेके आना चाहिए, जो कि मैं लेके नहीं आया था, इसलिए रोड साइड का उस पार में वो जो भैया थे, मैंने अंकल थे, वही उन्होंने ही कहा रोड के इस पार में, मैंने फिर अपना जेरोक्स कराया आधार कार्ड का। बड़ा 2 रुपया लिया एक कॉपी का, तो मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा लिया। अब आप लोग बताइए क्या आज के डेट में 2 रुपये ही इसका रेट है क्या? और यहाँ पर देखिए पूरा लिस्ट है, ये दीघा का है, रांगामाटी यूथ हॉस्टल है, सुंदरबन का है, गंगा सागर यूथ हॉस्टल है, मुकुटमणिपुर है, सुसुनिया पहाड़ जहाँ पर है वहाँ का है, बोलपुर का तो हम लोग ने अभी बुकिंग किया, बरकेश्वर का है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको बहुत सारा अलग अलग टैरिफ मिल जाएगा, नॉन एसी डबल बेडेड रूम, एसी डबल बेडेड रूम, फोर बेडेड रूम, बहुत अगर फ्रेंड जा रहे हैं तो डॉर्मेटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो GST वगैरह लेके साइड में आपको यहाँ पर पूरा इसका रेट वगैरह आपको दिखता होगा। ये साउथ बंगाल का हो गया, वैसे ही नॉर्थ बंगाल का भी बहुत ज़्यादा लोकेशन का यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा, दार्जिलिंग है, मालदा है, मुर्शिदाबाद का कुछ है, दाबग्राम है, जल्दा पाड़ा भी है, या फिर आपका जो अलीपुर द्वार कोच बिहार का जो है वहाँ पर भी बहुत सारा आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और तो मेरा बुकिंग अब कंप्लीट हो गया था, ऐसे ही आपको एक दे दिया जाएगा फॉर्म। और यहाँ पर कैंसिलेशन के बारे में मैं अभी जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत फायदा देने वाले। करके बुकिंग होता है यूथ सेंटर का, जो भी होटल वगैरह है पूरा वेस्ट बंगाल में है 30-40 जगह, आपने देखा भी होगा इस वीडियो में। बट एक लास्ट चीज़ से मैं बता दूँ कैंसिलेशन के बारे में, अगर 4 रूम अगर आप एक साथ बुक कर रहे हैं तो कैंसिल होगा तो सबका सब नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर कभी भी आप लोग बुकिंग करने जाते हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो 2 ID से करिएगा, 2, 3, 4 जितना भी ID से करिए। तो अगर 2 ID से करेंगे, 1 ID का कैंसिल करेंगे, तो 1 ID का आपका पैसा बचा रहेगा। जैसे कि हम लोग ने 4 बुक किया, 4 में से अगर 1 भी कैंसिल करेंगे तो सब ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप लोग अलग से ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बटे, खुशियाँ बटे और ज्ञान तो जरूर बटे।